बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर मुंबई पुलिस भिड़ी हुई है। उद्धव सरकार के शह पर कंगना को बार बार फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की हर जगह फजीहत हो रही है। पहले ही कंगना का ऑफिस गिराए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने बीएमसी और राज्य सरकार को फटकार लगाई थी, वहीं अब एक मामले में कंगना रनौत को हाईकोर्ट ने राहत दी है। दरअसल कंगना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उद्धव सरकार को निशाने पर लेती हैं। ऐसे में कंगना पर सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था, लेकिन राजद्रोह के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। वहीं कंगना राजद्रोह और दूसरे आरोपों को लेकर दर्ज मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बीते दिनों मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने पहुंची थी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल को बांद्रा पुलिस स्टेशन में आकर बयान दर्ज कराना था। बता दें कि मुंबई पुलिस ने 17 अक्टूबर 2020 को कथित तौर पर दो समुदाय के बीच विवाद बढ़ाने और दूसरे आरोपों के लिए कंगना रंगोली के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उधर कंगना ने एक बार फिर ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया, जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आई। उन्होंने लिखा कि अगर आप भारत के विरोधी हैं तो आपको बहुत सारा समर्थन, काम, पुरस्कार और प्रशंसा मिलेगी। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। इससे पहले कंगना ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस में हाजिरी देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कहां आना है, कैसे हाजिरी देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।